दीपावली त्योहार नजदीक है, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम छापेमारी अभियान चला रही है। आज खाद्य विभाग को सूचना मिली कि फिरोजाबाद के रामनगर में मुन्ना लाल गुप्ता के नाम से घर के अंदर एक सरसों का तेल रिफाइंड ऑयल बेचने का कार्य होलसेल में किया जा रहा था। जब यहां खाद्य विभाग की टीम पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया तो टीम को देखकर दरवाजा बंद कर लिया गया और कहने पर भी नहीं खोला। फिर टीम ने पुलिस बुलाई, तब पुलिस ने अंदर से दरवाजा खुलवाया तो अंदर से भारी मात्रा में रिफाइंड और सरसों के तेल से भरे हुए तेल की टीन मिली और एक बेसमेंट भी था जिसमें यह गोरख धंधा चल रहा था। इस पूरी छापेमारी में अहम बात यह निकल कर आई कि नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल बिहार की एक पार्टी द्वारा यहां पर भेजा गया है, जिसका न तो कोई बिल है और न ही कोई रजिस्ट्रेशन। अधिकारियों का यह कहना है कि इनकी जो फर्म, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जिससे इतना माल बेच सकें। इनको नोटिस दिया गया है और सैंपल ले लिए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कि आगामी त्यौहार दीपावली के अवसर पर थोड़ा तेल वगैरह की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने पर कुछ गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी पर मुझे अब सूचना मिली थी कि रामनगर फिरोजाबाद में एक गोदाम है जहां से खराब गुणवत्ता का सरसों का तेल, सोयाबीन रिफाइंड का विक्रय हो रहा है। तो मैंने जैसे ही यहां आया तो इन्होंने दरवाज़ा बंद करने का प्रयास किया, फिर पुलिस बुला करके मैंने दरवाज़ा खुलवाया और अंदर जाँच की तो इनके पास नेपाल का, बारा का, नेपाल का अमृत ब्रांड का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पीस्टीना वाला और सरसों का तेल मिला। इनके पास अंडरग्राउंड गोदाम लिए हैं, उसको भी चेक किया गया। यहाँ दो नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, किस नाम से इनकी फर्म है? इनकी मुन्ना लाल गुप्ता की है एक दुकान। कुछ रजिस्ट्रेशन है या कुछ कागज वगैरह जैसे मिले इनके? हाँ, इनका छोटा सा रजिस्ट्रेशन जरूर है लेकिन बड़ा लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस प्रॉपर नहीं है इनका। तो जितना इनका माल बरामद हुआ है वो लाइसेंस के हिसाब से ठीक है कि ज्यादा है? नहीं, इनका लाइसेंस बनना चाहिए, रजिस्ट्रेशन है, छोटा वाला लाइसेंस है, बड़ा वाला लाइसेंस होना चाहिए। क्या कार्रवाई होगी आपके? इनको नोटिस दिया जाएगा और अगर 7 दिन के अंदर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो विदाउट लाइसेंस कार्रवाई होगी।